देखिए, अगर आप कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं और आपका कीबोर्ड हैंग होने लगता है, वहाँ पर बराबर टाइपिंग नहीं होती है, तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं? तो चलिए, मुझे फॉलो करते जाइए और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम इस वजह से होती है क्योंकि आपकी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को चेक कर ले और उसमें जितना भी अननेसेसरी डेटा है, जो काम का डेटा नहीं है, जो काम के वीडियोज़ फ़ोटोज़ नहीं है, आप उसे क्लियर कर ले। ठीक है, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी नहीं होती है तो यहाँ पर मैं एक दूसरा मेथड आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, फिर यहाँ पर आपको जनरल मैनेजमेंट में आना है और यहाँ पर आपको आना है लैंग्वेज एंड इनपुट में। इसके बाद आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिख जाता है, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए, मेरा जो डिफ़ॉल्ट में कीबोर्ड है वो सैमसंग कीबोर्ड है, जो कि सैमसंग के फ़ोन में पहले से ही होता है, वो सैमसंग के द्वारा ही, सैमसंग के थ्रू ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड। तो सिंपली आप अपने प्ले स्टोर में आ जाइए और आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की। यहाँ पर सर्च कीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर सेम जगह आ जाइए और इसे ओपन करना है आपको, और इसको सेलेक्ट कर लेना है एज अ डिफ़ॉल्ट, या यहाँ से भी आप एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप इसे यूज़ करेंगे तो ये परफेक्ट फाइन यूज़ होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर बिना किसी हैंग के ये चलेगा। लेकिन हाँ, आपको ध्यान देना है कि अगर आपका फ़ोन फुल है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, आप वायरसेस को क्लियर कर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।